इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर में भी 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों को अब कार में ही बैठे बैठे कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। जबलपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में वैक्सीन इन ड्राइव सेंटर तैयार किया गया है। वैक्सीन सेंटर में आने वाले लोगों को कार से उतरने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि कार में बैठे बैठे ही मेडिकल स्टाफ की टीम उन्हें वैक्सीन लगा देगी। वहीं वैक्सीन लगाने के पूर्व आईडी प्रूफ की जांच का काम मेडिकल स्टाफ के लोग ही करेंगे। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने के लिए यह प्रोत्साहन करने का एक तरीका है। डॉक्टर SS दाहिया, जिला टीका अधिकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज से अपने जिले में, मतलब अपने शहर में, मैंने वैक्सीनेशन इन ड्राइव का वो रखा हुआ है प्रोग्राम, जिसमें ये 4 सेंटर हैं हमारे। और हमने कोशिश ये की है, जो वृद्ध जन हैं, जो लोग हमारे सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उनके लिए मैंने एक कोशिश की है कि ये अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आके अपना वैक्सीनेशन करा लें। लगभग अभी तक एक वैक्सीनेशन ड्राइव हमने पेंटी नाका में शुरू किया था, 8 बजे का रहा वो प्रोग्राम हमारा। उसमें भी लगभग अभी 60-70 लोगों को लग चुका है। सेकंड साइट हमारी ये वाली है, जहाँ विजयनगर जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पर भी लगभग 10-20 लोगों को हो चुका है अभी तक। और इसी प्रकार हमारा एक ग्लोबल में भी है, और MM इंटरनेशनल स्कूल हमारा बाईपास से है, वहाँ पर ही चल रहा है। और 45+ वाले सेंटर तो आपको मालूम है, हमारे लगातार 21 सेंटर लगातार चल रहे हैं, जहाँ पर 45+ वालों को वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। आज हम सभी लोगों ने जो लगातार हम पहल कर रहे थे कि जबलपुर शहर में लगातार ड्राइव इन वैक्सीनेशन का काम शुरू होना चाहिए, आज विजयनगर में शैल्पी अस्पताल के बाजू में जो जबलपुर अस्पताल के जो संचालक हैं आदरणीय धीरावाणी जी, हमारे जबलपुर के जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर दाहिया और उनकी पूरी टीम, यहाँ पे सबने मिलके हम लोग ने आपस में जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन की आज शुरुआत हो गई है। मेरा ये मानना है कि इससे जहाँ सिर्फ संक्रमण रुकेगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी कार में रहेगा और दूरी भी रहेगी प्रॉपर, और उसके चलते लोगों को बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहेगी। जहाँ इसमें एक और गर्मी से बचाव होगा, आपने देखा है टेंट लगाया गया है, और बरसात में स्पोर्ट्स के नीचे भी गाड़ियाँ लग सकेंगी। और इसमें मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ लगातार कि जो भी व्यक्ति इंजेक्शन लगवा रहा है, वो अपनी इंजेक्शन को साथ साथ अपनी ड्राइवर को जरूर साथ लाए, यानी कि जो ड्राइविंग करने वाला है वो व्यक्ति इंजेक्शन ना लगवाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद आप खाली जगह छाया है, आप लोग आधे घंटे इंतजार कर लें। अगर कोई भी आपको बीमारी के लक्षण, बुखार या चक्कर आता है, तो अस्पताल संस्थान ने अंदर कुछ बेड्स की व्यवस्था की है, यहाँ दवाइयों की व्यवस्था भी है। आज हम लोग 45+ के लोगों को लगा रहे हैं। अभी मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, डॉक्टर दाहिया साहब से बात हुई कि हम लोग यहाँ 18+ भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन में शुरू करेंगे, वो अगले 1-2 दिन में, जैसे ही ये प्रयोग हमारा ठीक होता है। मेरा मानना है जबलपुर में अगर सभी जगह पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन, जैसा मैंने आपसे लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लगता है जबलपुर शहर के लोगों को इसमें सब सुविधा भी मिलेगी, और ना सिर्फ संक्रमण रोकने में हम कामयाब होंगे, लेकिन मेरा मानना है आप सबका सहयोग इस पर अपेक्षित है।